यूपी और हरियाणा के हमारे कई नौजवान लाइन में लगे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां जान जोखिम में डालकर वो नौकरी करने जा रहे हैं। जंग चल रही है लेकिन लोग यहाँ सिर्फ 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं जहाँ खतरों से खेलकर थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, जिसको ये अमृत काल कहते हैं। और जिस देश में हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उस देश में और कोई मुद्दा कैसे चर्चा का विषय बन सकता है, मुझे नहीं समझ में। और बड़ा घमंड से कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये घमंड की बात है, ये किसी भी सरकार के लिए शर्म में डूब मरने की बात। पूरी अर्थव्यवस्था का रायता बनाने के बाद हलवा बनाने के ये नजारे देखकर थोड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। इसी हफ्ते की खबर, आपने देखा कि इजराइल, जहां की एक संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है, 10,000 वैकेंसीज के लिए यूपी और हरियाणा के हमारे कई नौजवान लाइन में लगे हुए थे, एक ऐसी जगह जहां जान जोखिम में डालकर वो नौकरी करने जा रहे हैं। आंखें खोल देती हैं वो नजारे। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग जो हमारी उम्र के हैं, जब कुवैत में संघर्ष हुआ था तो हिंदुस्तान के जितने लोग, जितने परिवार जिनके लोग कुवैत में नौकरी करते थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो स्पेशल फ्लाइट्स में लौटेंगे। वो वक्त और आज का दौर, संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है लेकिन लोग यहां सिर्फ 10,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं जहां खतरों से खेलकर थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। ये अंतर आया है, जिसको ये अमृत काल कहते हैं और जिसको हम अन्याय काल कहते हैं। हम क्यों अन्याय काल कहते हैं, ये नजारे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्याय काल क्यों है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकली, 60,000 के लगभग भर्तियां हैं, 51 लाख एप्लीकेंट्स, देर आर 60,000 वैकेंसीज इन उत्तर प्रदेश पुलिस एंड 51 लाख एप्लीकेंट्स। एक तो बड़े सालों के बाद भर्तियां निकली हैं, आप सोचिए कि क्या स्थिति है हमारी नौजवानों की विशेष तौर पे। अब इन 51 लाख भर्तियों का जो प्रक्रिया होगी, आप इसमें कैसे इंटरव्यू लेंगे, कैसे फिजिकल करेंगे, क्या उसका मापदंड होंगे, केओस एज वी से इन इंग्लिश। मैं 2 आंकड़े देना चाहता हूं, मेरी प्रेस रिलीज में बहुत आंकड़े हैं, मैं अभी वो आंकड़े नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं, दीज आर डेटा पॉइंट्स विच वोंट लेट यू स्लीप। 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में जवाब में दिया गया है। 1 किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। तो जवान और किसान की स्थिति आपके सामने है, अग्निवीर योजना आपके सामने है, जो मजबूरियां हमारी मिडिल क्लास झेल रही है उसके भी आंकड़े मैंने अपनी प्रेस रिलीज में दिए हैं। जो आम आदमी पर जो टैक्स लगता है वो 55% से बढ़ा है, लेकिन जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनका 2%, 2 से थोड़ा ऊपर, 3 से नीचे% बढ़ा है। यह आंकड़ा आपको बताता है कि जो डिस्पैरिटीज हैं वो कितनी भयानक होती जा रही। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है कि ये उपभोक्ता चलाते हैं, इट्स अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो कंजम्पशन का डेटा भी मैंने आपको दिया है कि जो 21 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कंजम्पशन में भी गिरावट आई है। 21 साल का रिकॉर्ड कोई छोटी बात नहीं होती। एफएमसीजीज की जो सेल है 2023 में फिर से नहीं बढ़ी, नहीं दिखी बढ़ती हुई, और जो घरेलू बचत है उसका 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है कम होने में, 50 ईयर्स रिकॉर्ड ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स हैज बीन ब्रोकन। इसलिए जितनी आप तड़क भड़क करके इवेंट्स करते हो, ऑप्टिक्स देते हो, टेलीविजन पे नजारे दिखाते हो, असलियत क्या है वो आपके सामने इन आंकड़ों से दिखती है। और अगर आंकड़ों में भरोसा नहीं है, दिल्ली से थोड़ा दिल्ली के भीतर कुछ बस्तियों के मैं आपको नाम देता हूं, वहां घूम लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा असलियत क्या है।
छोड़ दीजिए बस्तियों को, मिडिल क्लास की क्या हालत है वो देख लीजिए। तो ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े तो कुछ सच बताते हैं, बाकी सच आपको जानना है। आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, रास्ते में आप लोगों से मिलिए, उनकी स्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये अन्याय काल है और क्यों राहुल गांधी जो 5 स्तंभ न्याय के बता रहे हैं उन पर क्यों वो ज्यादा जोर दे रहे हैं युवाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि मैंने आपको आंकड़ा दिया बेरोजगारी का, मैंने आपको आंकड़ा दिया आत्महत्याओं का, और जिस देश में हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं उस देश में और कोई मुद्दा कैसे चर्चा का विषय बन सकता है मुझे नहीं समझ में आता। किसान जवान इन दोनों की जो स्थिति है, मिडिल क्लास की जो स्थिति है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि ये जितना भी ये आर्टिफिशियली इवेंट्स ला ला कर हम सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं, असलियत नहीं छिप सकती। तो युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय, ये तमाम जो 5 स्तंभ हैं ये समाज के उस हर वर्ग के लिए न्याय की बात करते हैं जिनको पिछले 10 साल में अन्याय का दंश झेलना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते नजारे देखे कि वित्त मंत्री, जो कि परंपरा है, बजट से पहले हलवा बना रही होती है, पूरी अर्थव्यवस्था का रायता बनाने के बाद हलवा बनाने के ये नजारे देखकर थोड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, जो पिछले 10 साल हम बार बार कहते हैं कि अन्याय के साल, अन्याय काल जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आज फिर से शुरू हुई है 2 दिन के ब्रेक के बाद। इस अन्याय काल के 10 साल पूरे हो रहे हैं, आखिरी बजट इस सरकार का आने वाला है, और जो इस सरकार की आदत है हर चीज को इवेंट बना के चमक धमक से असलियत को कैसे ढक देना, हाउ टू श्राउड द रियलिटी बिहाइंड द डैजल ऑफ एन इवेंट, ये इस सरकार की एक, मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए। बजट भी ऐसा ही होगा, उसमें भी बुरा लगता है माननीय वित्त मंत्री हैं तो वित्त मंत्री कहलाने के लिए, लेकिन वो एक रेडीमेड भाषण में मोदी जी की तारीफ हर दूसरे तीसरे लाइन में करेंगी। सेना की जो पक्की नौकरियां हैं वो बंद हैं, ये स्थिति में हम कैसे आए हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तो साहब 25 साल 50 साल ऐसे ऐसे नारे होते हैं, या 25 साल तक भाजपा, 50 साल तक भाजपा, लेकिन जो जो फौजी सीमाओं पर जाएगा उसको 4 साल देंगे, खुद के लिए 50 साल, फौजी के लिए 4 साल। यह अन्याय काल की स्थिति में आपको बताना चाह रहा हूं, और बड़ा घमंड से कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, यह घमंड की बात है, यह किसी भी सरकार के लिए शर्म में डूब मरने की बात है। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस डेटा दैट 80 करोड़ पीपल हैव टू डिपेंड ऑन फ्री राशन। This is a report card of this government. This particular data is a report card, a shameful report card of this government. ये सारे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग भाई रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में जो सवाल हैं वो अलग हैं। मेरी प्रेस वार्ता अर्थव्यवस्था पर है और अन्याय काल पर है, जिस अन्याय और न्याय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते।